जूम ते कोचिंग होएगी, जूम ते कोचिंग होएगी, कैमरा ऑफ कर देंगे अपने मुंडे। फिर मिकी भाई गुस्सा होंगे, कैमरा ऑन करो। बाबर आर यू सेइंग सम, बाबर यू आर ऑन म्यूट, अपना हाँ अनम्यूट करो। मतलब 4G नहीं चल रहा, नेट खराब हो गया। ऑनलाइन फैमिली क्या हाल है, ठीक ठाक हो, किधर हो आप लोग? कह रहे थे यार यूट्यूब पे कोई व्लॉग नहीं अपलोड करा। मोमिन भाई आप किधर है, नजर नहीं आ रहे। मेरी जान तुम्हारी मोहब्बत का मैं शुक्रगुजार हूँ, आई फील ओवरवेल्म्ड तुम लोगों के मैसेजेस से, तुम लोगों की मोहब्बत से। लेकिन इंस्टा फेसबुक पे स्टोरीज देखते टकाटक स्टोरीज लग रही थी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कब उठ रहे हैं कब सो रहे हैं। मास्टर्स शुरू कर दिया था, फुल टाइम मास्टर्स, व्हिच इज लाइक फुल टाइम जॉब। और मैं आपको अगर आप स्कूल में भी हो तो आपको पता है ये पढ़ाई आसान नहीं होती, लेकिन जो चीज़ आसान नहीं होती उसी चीज़ का तो मजा आता है। लाइफ इज एक्साइटिंग व्हेन लाइफ इज टफ, लेकिन व्हेन यू आर स्टूडेंट जो लर्निंग, खैर मास्टर्स ने बहुत टाइम लिया हुआ था यार, फुल टाइम क्लास, सुबह क्लास, 9 बजे क्लास, 12 बजे क्लास, 1 बजे क्लास, 2 बजे क्लास। मेरे को पढ़ने का शौक है लेकिन मुझे प्रूफ करने का शौक नहीं, मतलब एग्जाम्स देने का मुझे शौक नहीं है। पढ़ाई होते रहे लेकिन एग्जाम्स नहीं देना। और उससे पहले मैंने कंप्यूटर साइंस की थी, कभी जब मैं अंडरग्रेड में था तो कभी कभी ऐसे लगता था कि ज़ेहन में कब्ज़ हो गई है मुझे, मतलब। लेकिन फिर भी बहुत कुछ सीखा कंप्यूटर साइंस से, रिग्रेट नहीं करता। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टाइम मैनेजमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अब ब्लॉग्स बनेंगे, आपसे बात होगी, हर चीज़ पर बात होगी। 2 सीरीज हो गई क्रिकेट की, सॉरी यार मास्टर्स चल रहा था, लेकिन भाई अभी तो पाकिस्तान का नाम जो बाबर आजम ने रोशन कर दिया उस पर बात करते हैं। ICC अवार्ड्स में अपना लड़का ऑस्कर जीत गया यार, ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ICC ODI क्रिकेट टीम का कैप्टन भी बन गया भाई, क्या बात है। फिर अपना रिजवान हारिस रऊफ ICC की T20 टीम में भी आ गए, मतलब सबसे पहले तो ये जो ऑस्कर, फिल्मफेयर और ये जो अवार्ड्स जीत रहे हैं हम लोग यार। बाबर भाई आपने मतलब पिछले साल बड़ा लोगों ने कमेंट किया कि बाबर का स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है, बाबर की कैप्टनसी ठीक नहीं है, तो बाबर ये तो बाबर वो। इस साल मुंडा लै गया सारे अवार्ड, मुंडा अवार्ड लै गया, इस वक्त मुंडा टॉप ते गया, साडा मुंडा शहजादा है, साडा मुंडा शेर, वाह वाह वाह। सबसे पहले तो मुबारकबाद बाबर आजम को, पाकिस्तानियों को, क्रिकेट फैंस को, पूरी दुनिया में कि बाबर भाई ने ये अवार्ड ले गए। सीना हाथ छाती चौड़ी हो गई, चौड़ी हो गई है। PSL आने वाला, मोहब्बत बरसा देना, सावन नहीं PSL आया है, आपके मेरे इंजॉय करने का मौसम आया है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं PSL पे यार, ड्राफ्टिंग जो टीम्स की हो गई है यार। पिछली दफा मोहम्मद हफीज साढ़े प्रोफेसर ने उन्होंने लाहौर कलंदर नू जितवाया है, मतलब पिछले साल लाहौर कलंदर जब PSL जीते हैं तो हफीज भाई का एक इंटेग्रल रोल था इसके अंदर। इस बार हफीज भाई ने उन्होंने लिता ही नहीं, अपने धोखा देते हैं गैरों से क्या शिकवा करना। लेकिन कोई बात नहीं हफीज भाई, अगर आप PSL में नहीं है तो तुम वड्डे काम करने ने, तुम प्रोफेसर है साढ़े, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी। लाला भी इस दफा PSL में नहीं है, लेकिन आई थिंक प्रॉब्ली लाला कोच बन गए हैं, अहमद शहजाद साहब, कामरान अकमल साहब, लेकिन कामरान अकमल साहब आई थिंक वो हमारी जो यंग टीम है आई थिंक उसके सिलेक्टर कुछ बन गए, मेरी इन्फॉर्मेशन शायद ठीक नहीं है, लेकिन हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। लाहौर कलंदर का क्या बॉलिंग अटैक लग रहा है, हारिस रऊफ उनके पास, शाहीन उनके पास, राशिद खान उनके पास, फिर अपना सिकंदर जिम्बाब्वे का अपना प्लेयर सियालकोट में पैदा हुआ है, लाहौर दी बॉलिंग मुझे लगता है इस बारी फिट फाट। ये एंजे लग रहा है कि भाई लाहौर कलंदर भी है शुएब कलंदर है, मतलब ये फुल टाइम उनकी बॉलिंग होगी। लेकिन ऐसी बात भी नहीं है, मुल्तान सुल्तान की अगर बात की जाए तो क्या उनकी बैटिंग है भाई, अपने उनके पास खुश दिल, मोहम्मद रिजवान, डेविड मिलर, मुल्तान सुल्तान की टीम भी फिट लग रही है। लेकिन बात इस वक्त PSL इज अबाउट enjoying cricket, entertainment, रावलपिंडी में भी मॉल पीक पे होगा, लाहौर में भी मॉल, कराची में भी मॉल, आपका भाई होगा नहीं होगा ये आपके जहन मुझे एक सवाल गूंज रहा है, तो इसका जवाब आपको जल्द ही मिल जाएगा। लेकिन बात को आगे लेकर चलते हैं, कराची किंग्स। मैं कहता हूँ पाकिस्तान टीम के सिलेक्टर्स ने जिन जिन को इग्नोर किया कराची, मुझे लगता है वो सारे कराची में इकट्ठे हो गए प्रूव करने के लिए, उनके असी हल्के नहीं है, मलक साहब, मोहम्मद आमिर साहब, इमाद वसीम साहब, यह कह रहे हैं कि असी इकट्ठे हो जाने, असी पाकिस्तान टीम के सिलेक्टर्स को दस देना है कि तुम सानू जरा सिलेक्ट ना करके चंगा नहीं किया, तो असी भी हल्के नहीं है, असी इंच की परफॉर्मेंस देनी कि दुनिया देखेगी। लेकिन रोटी गैंग, इस्लामाबाद यूनाइटेड, मैं पर्सनली मेरे दोस्त भी आजम खान साहब पिछली बारी क्या परफॉर्म किया आजम ने, मेरी जान आजम इस बारी मुझे लगता है तू फटे चिक देने ने, तू वड्डी गेम खेलनी आजम। लेकिन नंद लेस कैसे हो सकता है कि हम बात ना करें, बाबर आजम पिशावर जिल्मी नाल साडे स्पोर्ट्स मिनिस्टर वहाब रियाज साहब, वाह 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 वाह, मजेदार टीमें लग रही हैं, गुड कॉम्बिनेशन, इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन। हाउ कैन वी फॉरगेट क्वेटा ग्लैडिएटर सपना नसीम शाह वगैरह, चाचू ने क्या छक्के मारे थे मेलबर्न में, ऐसा नहीं मुझे लगता चाचू ने इधर भी लंबे छक्के मारे थे। तो PSL पे तो मिलने वाली बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट, क्योंकि इन लाइफ देखो
यू नीड टू एंजॉय लाइफ. मैं कहता हूँ कि आई वुड रादर आई वुड देखो बोर्डम इज नॉट एन ऑप्शन. आई वॉन्ट एक्साइटमेंट इन माई लाइफ एंड पी एस एल विल ब्रिंग दैट एक्साइटमेंट. पी एस एल जब भी आता है ना एक और किस्म की एक्साइटमेंट आना शुरू हो जाती है. मैचेज हो रहे हैं, शाम को बैठे हैं, रोटी ऑर्डर की है, टीवी लाया, रोटी चल रही है, परौठे चल रहे हैं, नॉल जूस चल रहा है, टीम हार रही है, टीम जीत रही है, घर वालों के इकट्ठे होने का, खानदान के इकट्ठे होने का मौका, दोस्तों से पूछ रहे हैं यार क्या बना, कोई लाहौर को सपोर्ट कर रहा है, कोई इस्लामाबाद को सपोर्ट कर रहा है, कोई क्वेटा को सपोर्ट कर रहा है. ये इसको पॉजिटिवली देखो कि यार कुछ मज़ेदार जिंदगी में आ रहा है. बट एट द सेम टाइम मैंने हमेशा कहा अपना काम अपनी पढ़ाई इफेक्ट होने ना दो. आई डोंट केयर तुम कितने बड़े फैन हो लाहौर कलंदर्स के, आई डोंट केयर तुम कितने बड़े फैन हो कराची किंग्स के, लेकिन अगर तुम स्टूडेंट हो, तुम ओ लेवल कर रहे हो, एफएससी कर रहे हो, तुमने अपने एग्जाम्स अफेक्ट नहीं होने देने, नहीं होने देने, नहीं होने देने. मैं भी बहुत एंटरटेन, मुझे भी क्रिकेट का बड़ा शौक था, मुझे भी बहुत चीज़ों का शौक था, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई कभी इफेक्ट नहीं होने दी. अंडर ग्रेड में कंप्यूटर साइंस किया अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ग्रेड से, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत इन्वॉल्व होता था, लेकिन कभी अपनी पढ़ाई अफेक्ट नहीं होने दी. अभी दो सीरीज हो गई, मैं बिल्कुल आपको नजर नहीं आया. मास्टर्स कर रहा था, फुल टाइम मास्टर्स कर रहा था, 100% की अटेंडेंस थी. तो ये चीजें साइड पे, लेकिन मेरी जान अवार्ड्स की गल हो गई, पीएसएल की गल हो गई, लेकिन इंडिया न्यूजीलैंड मैं कहता हूं 3 ODI 3 T20 इंडिया ने तो यार होम ग्राउंड में बुला के मतलब चंगा किया. न्यूजीलैंड वालिया ने साढ़े ना चंगी नहीं की थी, इंडिया वालिया ने साढ़ा बदला ले लेता. 3 ODIs वाइट वॉश कर दिए बिल्कुल. मतलब फिर T20 हुए, एक इंडिया जीत गया, एक न्यूजीलैंड जीत गया, लेकिन फिर तीसरा इंडिया जीत के सीरीज दोनों इंडिया जीत गया. लेकिन इधर बात करना बहुत जरूरी है, जो एक यंग टैलेंटेड प्लेयर इमर्ज कर रहा है शुभमैन गिल. और इससे पहले कि आप सोचें हाँ गलती हो गई, लेकिन मैं उसको शुभमैन ही कहूंगा क्योंकि वो अपनी टीम के लिए इतने शुभ रहे हैं. शुभमैन की जगह इसको सुपरमैन कहें तो बेहतर है, क्योंकि आई थिंक मुझे इस लड़के का जो फ्यूचर है वो एक्सट्रीमली ब्राइट नजर आ रहा है. वो कहते हैं पाजी तुसी राइट राइट करा गए, किड़ा रॉन्ग ले आयो, ये लड़का बिल्कुल राइट जा रहा है. क्या यार 200 मार दिया, फिर 100 मार दिया, फिर 100 मार दिया, मतलब इसने को 500-600 रन कर दिए, मतलब है मजाक हो रही है. बट you know you have to appreciate his talent, you have to appreciate his cricket. He is looking very positive and I am optimistic about his future. ki ek aur talent ubhar raha hai, ek aur talent hame nazar aa raha hai. aur of course surya kumar yadav to ek class ka player hai yaar, wo to class ka player hai. usne bhi acha, I think he came out as an experienced, aise matlab surya kumar yadav ne bhi ek jo unki vibe thi badi experienced vibe thi. aur javed miadad ke baad dusre I think rohit sharma sahab कैप्टन थे, जिनको याद ही नहीं था कि पिच टॉस के बाद क्या करना है हमको, हमको नहीं पता हम बैटिंग करेंगे या बॉलिंग करेंगे. यार मतलब कमाल है यार, कोई बात नहीं रोहित भाई, भूल जाता है बंदा, टेक नो टेंशन ना, डोंट वरी, हैव सम चिकन करी. बट नॉनदलेस गुड क्रिकेट, इंडिया नंबर वन टीम बन गए हैं, कंग्रेचुलेशंस टू यू. तो आई थिंक ऑल इन ऑल ये जो क्रिकेट एक्साइटमेंट है, क्रिकेट फीवर है, बहुत बढ़ने वाला है पीएसएल की वजह से. जो हमें एंटरटेनमेंट मिलेगी of course, I'm super excited. Are you excited? I want to know if you're excited. मुझसे अगर कुछ लोग पूछते हैं आप इस बारे में बड़ी कम बात करते हैं कि आप क्या कर रहे थे, यार मास्टर्स था, मास्टर्स के साथ फेलो बन गया था एट द अफ्रीकन लीडरशिप सेंटर. एंड देन उससे पहले आई वॉज वर्किंग ऑन डीकोलोनाइजिंग द करिकुलम. मुझे पता है कुछ लोगों को मेरा ये एजुकेशनल जो जर्नी है ये बोरिंग लगता है, लेकिन मुझे बोरिंग नहीं लगता. आई फाइंड इट स्टिम्यूलेटिंग, इंटेलेक्चुअली स्टिम्यूलेटिंग. आई फील दैट आई एम ग्रोइंग एज अ पर्सन और आई लाइक टू लर्न. आई लाइक इट जब मुझ में नॉलेज इंक्रीज हो रहा हो और दिस जस्ट कम्प्लीट्स मी, यू नो. मेरी जो मुझे एंटरटेनमेंट मिलती है क्रिकेट के थ्रू, दो आपसे बातें करके, वीडियोज़ बना के, बट एट द सेम टाइम मुझे जो एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन कंटेंटमेंट मिलती है वन I am a student, when I'm learning, जब मेरा knowledge increase हो रहा हो. तो जिंदगी में जो जो करना चाहता है उसको करने दो, as long as do not hurting anyone. आप कहोगे मैंने बहुत दफ़ा ये बात बोल दी है, मैं 500 दफ़ा रिपीट करूँगा, do whatever you want to do in life as long as you're not hurting anyone. उसके अलावा वहाब रियाज साहब को स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना दिया पंजाब गवर्नमेंट का. इधरों साढ़े वहाब भाई बांग्लादेश की लीग खेड कराए ने, इधर उन्होंने मिनिस्टर बनाता मियाँ वहाब रियाज. मियाँ वहाब रियाज भाई कह रहे थे मैंने इंडिया का वर्ल्ड कप खेलना है, इधर उन्होंने मिनिस्टर बनाता है वहाब भाई. वहाब भाई हूँ तुम को पार्टी शुरू करके को पता नहीं ताडे इरादे कोई इलेक्शन लड़न देने की चक्कर है की नहीं चक्कर, अपना मैनीफेस्टो बखाओ. जिस सानू थोड़ा मैनीफेस्टो ठीक लग गया तो कोई गल नहीं, शायद असी वोट पा देंगे, लेकिन गुड लक. बट नॉनदलेस एक और न्यूज़ आई कि PCB मिकी आथर को ऑनलाइन कोच हायर कर रहे हैं.
मतलब जूम ते कोचिंग होएगी, जूम ते कोचिंग होएगी, कैमरा ऑफ कर देंगे अपने मुंडे, फिर मिकी भाई गुस्सा होंगे, कैमरा ऑन करो, बाबर आर यू सेइंग सम, बाबर यू ऑन म्यूट, अपना हाँ अनम्यूट करो, मतलब 4G नहीं चल रहा, नेट खराब हो गया, मतलब अगर आपको लगता है कि ठीक से मिकी भाई कोचिंग कर लेंगे तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन नेट वेट ठीक कर लेना, पिछले दिनों को फाइबर ऑप्टिक का मसला हो गया था, नेट नहीं चल रहा था मुल्क में, आई डोंट नो, अगर पीसीबी को डिसीजन ले रहा है, आई एम श्योर सोच समझ के ले रहा होगा, मुझे ये नहीं पता ये कितनी पक्की न्यूज़ है नहीं है, बट एनीवेज जो है हमने तो आपसे बात करनी है, जो चीज़ हो रही है कोशिश होगी कि PSL में जो जिस तरह मैचेस और व्लॉग्स निकले, आपसे बातें करें, आपसे गप लगाएं, और जहाँ तक मेरा ताल्लुक है बहुत कुछ सीखने को मिला अपनी डिग्री से अराउंड ग्लोबल लीडरशिप, एथिकल डिसीजन मेकिंग, यूजिंग डाइवर्सिटी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, बड़ा पर्सपेक्टिव मिलता है ऑन हाउ वी कैन लिव पीसफुली, मतलब आप मेरी डिग्री है पीस बिल्डिंग में, एंड दैट इज़ व्हाट आई वांट इन लाइफ, कि हम सब मोहब्बत से रहें, पीस में रहें, प्यार से रहें, प्यार बांटो, क्योंकि मेरी जान की प्यार बड़ा प्यारा होता है, प्यार बड़ा प्यारा होता है, बट नॉनetheless टेंशन नहीं लेनी लाइफ में, एक दरवाजा बंद होता है दूसरा दरवाजा खुलता, रख सकते आप एक दरवाजा खटका रहे होते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि अपॉर्चुनिटी एक और दरवाजे में होती है, दिस इज द थिंग अबाउट लाइफ, सो आई वॉन्ट यू ऑल टू बी बेटर ह्यूमन बींग्स, वर्क ऑन योर सेल्फ, इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, बी बेटर ह्यूमन बींग्स एंड फाइंड पीस ऑफ माइंड, एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट मेकिंग श्योर दैट योर लाइफ इज एक्साइटिंग एंड हैविंग फन, इंडिया में इस साल वर्ल्ड कप आ रहा है, और मैं आपको अभी से बता दूं मैं एक वीडियो लगाऊंगा जहां मैं अपने इंडियन दोस्तों से कहूंगा कि मेरे साथ मिलके कुछ भी करो, मुझे मुन्नी की तरह तार के नीचे से लेके जाओ या तार के ऊपर से लेके जाओ, मुझे अपनी टीम को सपोर्ट करने और वर्ल्ड कप देखने इंडिया आना है, और बाकी दुआओं में याद रखना, मेरे जिगर का जुआ पे स्वाद रखना, लव यू लव यू लव यू, लव यू।